1990 में इस मंदिर की स्थापना हुई। प्रभु जी, जो ये बीच मंत्र है जो मैं इस्कॉन में बहुत सुनती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामो रामो हरे हरे, सो इसके बारे में आप बताइए हमें। ये जब कलयुग का प्रारंभ था उस समय नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो कलयुग के लोग होंगे वो अल्प आयु वाले होंगे, उनकी बुद्धि कम होगी और झगड़ालू ईर्ष्यालु स्वभाव के होंगे, तो ऐसे जो लोग होंगे उनका कल्याण कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने एक मिनट आंख बंद करके कहा कि हरि नाम से सब कलयुग के दोष मिट जाएंगे, लेकिन नारद जी कोई स्पेसिफिक मंत्र चाहते थे कलयुग के लोगों के लिए। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि भगवान के तो अनंत नाम हैं, हजारों नाम कहे जाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम और बहुत सारे नाम हैं, तो आप कोई हमें स्पेसिफिक विशेष नाम बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नामनाम कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने सारे वेदों का मंथन करके देख लिया है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इससे बेहतर और अच्छा उपाय कोई नहीं है इस कलयुग के दोषों से निस्तार पाने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, उसके बारे में प्रभु जी हमें बताइए आप। गरुड़ जी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और गरुड़ जी जो हैं वो भगवान के वाहन हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ जी सदैव वीरासन में बैठे होते हैं भगवान के सामने और ये हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा के लिए कि कब भगवान की आज्ञा होगी और मैं उनको अपने पर आरूढ़ करा करके ले जाऊंगा। गरुड़ जी की विशेषता है इनकी गति जो है वो मन के गति से भी तेज होए, इतने तेज गति से चलते हैं। और भी विशेषता है कार और सब उसमें म्यूजिक सिस्टम होता है, तो गरुड़ जी के साथ भी म्यूजिक सिस्टम चलता है, इनके पंखों से वेदत ध्वनि निकलती है, भगवान जब इस पर विराजमान होते हैं तो ये वेदत ध्वनि करते हुए चलते हैं। और इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने एक बार संपूर्ण जितने भी देवता हैं सबको अकेले परास्त करके अमृत उनसे छीन करके ले आए थे। नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे मिलकर, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमें विस्तार में इस्कॉन के बारे में बताया। सो दोस्तों, अभी अंदर भोग लग रहा है, जल्द ही आपको आरती के दर्शन कराते हैं। Thank you.
अभी हम लोग आरती अटेंड करके बाहर निकल ही रहे थे और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों को कितना समय हो गया इस्कॉन से जुड़े हुए? हमारे को अभी 1.5 महीने हो गए आए हुए यहाँ पर। और माला करते हो? कितनी माला करते हो रोज? माला सुबह 5-6 बजे करते हैं, 6 से 7। और आप? हम भी 6 से 7, कभी 5, कभी 6, 7। और क्या हुआ, कैसे जुड़े आप लोग इस संस्था से, ऐसा क्या हुआ आपके अंदर, कोई जुड़ा हुआ है परिवार में? परिवार में कोई नहीं है, मतलब हम यहाँ पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, सेवा करते हैं आश्रम की। अच्छा, यहीं रहते हो यहीं पढ़ाई करते हो। हमारे साथ एक छोटे से इस्कॉन के मेंबर हैं यहाँ पर, आपका नाम? प्रताप। प्रताप, प्रभु प्रताप। हाँ, और कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए इस्कॉन से? ये बताएंगे। ये आप अपना बताओ, आपको कितना समय हो गया? हम समय नहीं गिनते। अच्छा, और माला करते हो? कितनी बार करते हो? मैं 5 बार। 5 बार माला कर लेते हो? कब कब करते हो? 2 सुबह करता हूँ और 3 रात को। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए? वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? थर्ड। सो देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और आजकल बुकिश नॉलेज के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज का भी होना, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, अज्ञानता की, सब अज्ञानता की वजह से हो रहा है ना। तो अभी आप कितने साल के हो? 8। 8 साल के हो? देखो 8 साल का बच्चा है इस्कॉन से। कोई जुड़ा हुआ है पहले घर में जिसके आप जुड़े? नहीं, कोई भी नहीं है परिवार में जुड़ा। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पे अंदर मुरादाबाद की और यहाँ रहते हैं। पापा कहाँ हैं? पापा कहीं जा रहे हैं। पापा स्कूल का पता लगाने गए हैं। स्कूल का पता? अच्छा। और अच्छा, पापा के साथ रहते हो यहाँ पर? पापा भी जुड़े हैं यहाँ से? तो बहुत अच्छी है संस्था, लगा मुझे कि जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं आगे, उनको यहीं पर रह के पढ़ाना भी, साथ साथ आध्यात्मिकता से भी जोड़े रखना। 9 बजे भोजन प्रसाद होता है। तो ये बच्चे लोग जो हमारे साथ हैं वो लोग यहाँ पर पढ़ते भी हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं आश्रम में। बहुत अच्छा लगा इन छोटे छोटे बच्चों से मिलकर। बहुत ही खुशी हुई कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नव युवक हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी आध्यात्मिकता से बहुत जुड़ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। ये तो था हमारा आज का ऋषिकेश का इस्कॉन का व्लॉग। और ये जो मेरे पीछे है ये रथ आप देख सकते हैं, 9 अक्टूबर को यहाँ पर रथ यात्रा होगी। सो वहाँ का हमें निमंत्रण दिया गया है। जितने लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग 9 अक्टूबर को ऋषिकेश में ज़रूर आइएगा और इस रथ यात्रा का आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए, अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल जो कि ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी है, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।